लोगों के सामने है। तीन चार मुद्दे हैं कि बिहार में अभी देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार के जो का जो सबसे बड़ा सवाल है, हर साल 7,000 करोड़ रुपया बाढ़ से क्षति होती है बिहार की। 7,000 करोड़ रुपया हर साल बाढ़ में कहां से लाया जाता है और फिर कहां चला जाता है, नीतीश कुमार जी को बाढ़ सब्जेक्ट नहीं है, नीतीश कुमार जी का गार्ड सब्जेक्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी अब अनुकंपा के मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं। शिक्षा के बारे में कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, तो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी यह कह रहे शिक्षा मेरे हाथ में नहीं है, तो इससे बड़ा कायर कमजोर और निपुंसक मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। यदि आप शिक्षा सुधार नहीं सकते हैं तो गलती छोड़ दीजिए। मोकामा में बोला चाल चाल दियारा और चाल, आपको आश्चर्य होगा दियारा और चाल नीतीश कुमार जी 13 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 13 सालों से, और उसके पहले कृषि मंत्री थे, रोड सब पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, रेलवे मंत्री थे, तो आपने चाल का जिंदगी क्यों नहीं बदला जो आज भीख मांग रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपकी सरकार दोनों जगह थी, तब आप फरक्का जैसे सवाल को क्यों नहीं उठाए, फरक्का निर्माण की बात क्यों नहीं किया आपने, आप मुझे बताइए। जब फरक्का का सवाल नहीं उठा, हम कभी कभी आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि भाई 35 सालों से नीतीश जी लालू यादव दोनों आदमी मुख्यमंत्री हैं, 27 सालों से केंद्र और राज्य में इनकी सरकार थी, लेकिन आज तक बिहार के बाढ़ के बारे में, इस बिहार को बचाना यदि है तीन हिस्से बिहार को, तो बगैर बाढ़ और दाल की मुक्ति के बगैर बिहार नहीं बच सकता। 86.8% लगभग गाज जमा हुआ, फरक्का जब निर्माण हो रहा था 1954 में, तो उस वक्त भी दुनिया ने विरोध किया था कि आप भारत में बांध को ना बांधो, यदि बांध को बांधोगे नेचर को रोकोगे तो वो दुनिया को बिगाड़ दे, लेकिन बांध बन गई, नदी का किनारा होता जिसको गज कहते हैं, चर है, ये चार तरह की नदियों से भरा हुआ चीज है। मैं बैठ जाऊं, आप ही बैठ जाइए, जो अभी आए, तो हम आपसे बड़ी विनम्रता से कहेंगे, पहले तो नीतीश जी आप बाढ़ के बारे में समझ लीजिए, नदी के बारे में आपको कोई ज्ञान वान है नहीं, चर क्या होता है, गाद क्या होता है, कच क्या होता है। आप प्रधानमंत्री जी जरा राष्ट्रीय आपदा कब घोषित करिएगा, आपकी टीम आई थी, नीतीश बोला टीम आई मॉनिटरिंग करके चला गया, तो नीतीश जी पप्पू यादव आपको चुनौती देता है, आपका मंत्री कहता है बाढ़ से मुक्ति नहीं हो सकता है बिहार में, तो यदि बाढ़ से मुक्ति नहीं दे सकते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 2 साल कुर्सी छोड़ दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, जब ये नेता बाढ़ ला सकता है तो ये बाढ़ जा भी सकता चुका है, इसलिए लड़ाई आप सबके कंधों पर है। मैं पैर पकड़ता हूं, जो लोग राजनीति करने से पाए हैं वो राजनीति मत करिए, आप पेन लीजिए बिहार के गरीबों के लिए, पेन लीजिए बिहार के छात्रों के लिए, पेन लीजिए बिहार के बेरोजगारों के लिए, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं का नारा पप्पू यादव ने दिया है। 9 तारीख को क्रिस मेमोरियल हॉल में 5,000 से ऊपर हमने बेरोजगार युवा को बुलाया है, जो लोग यहां पर जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय से 500 बेरोजगार युवा चाहिए, बाढ़ से 500 बेरोजगार युवा चाहिए, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, बाढ़ और गाज से मुक्ति नहीं तो सरकार
नहीं, एजुकेशन और हेल्थ नहीं तो सरकार नहीं।